attempt to create a certain narrative in the country where certain people are demonized, certain people, there's a propaganda against them, all kinds of things are said against them. We saw how Gauri Lankesh was called anti-Hindu, and then she was marked out for assassination. In my case also, for the last 2.5 years, based on absolute lies, absolute baseless statements, they are again and again saying that I'm an anti-national. I want to challenge the ones who are saying this. You prove this in court. You bring this the matter in court. If you are so confident that I gave those slogans, why don't you bring this thing in court? Why don't you convict me? Please. But they know that they cannot do this. So this creates an environment in which certain people can be... Okay. You repeat in Hindi. Yeah. देखिए आज 2:30 बजे यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की तरफ से उनका एनुअल प्रोग्राम था. यूएच से मैं भी जुड़ा हूँ, एक मुहिम है नागरिकों की हेट क्राइम्स के खिलाफ, मॉब लिंचिंग के खिलाफ. आज हमारा प्रोग्राम था 2:30 बजे, खौफ से आज़ादी. 2:10 पे मैं कॉन्स्टिट्यूंट क्लब में पहुंचा. जब मैं वहां पहुंचा तो अभी टाइम था प्रोग्राम शुरू होने में, तो मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम लोगों ने सोचा हम बाहर जाके चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे और 10 मिनट वापस आएंगे. 10 मिनट बाद जब मैं वापस घुस रहा था कॉन्स्टिट्यूंट क्लब में, चाय की दुकान बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंट क्लब के बाहर ही है, एक इंसान पीछे से आता है, मुझे रोन देता है ज़मीन पर और एक बंदूक निकाल के मेरी तरफ तानने लगता है. उस वक्त किसी तरीके से मैंने उसका हाथ दूर किया, बार बार मैंने हाथ दूर किया. मेरे 3 दोस्त और थे, उन्होंने उसको धक्का दिया. इसमें वो चटपटाहट में भागने लगा और भाग के फिर एक गोली चलाई. रोड क्रॉस करने के बाद मैं भाग के वापस अंदर आया और ये बयान दर्ज कराया पुलिस के साथ. देखिए ये कौन इंसान था ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन एक सवाल हम सबको सोचने की ज़रूरत है. आज का जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम का नाम था खौफ से आज़ादी. बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे थे जिनको अलग अलग, जिनके परिवार वालों को, जिनके लव्ड वंस को बेबुनियाद अफवाहों के आधार पर, बेबुनियाद आरोपों के आधार पर मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा है, हेट क्राइम्स का शिकार होना पड़ा है. और इतना आयरोनिक है कि आज उसी प्रोग्राम के बाहर मेरे ऊपर भी हमला करने की कोशिश करी गई. एक माहौल देश में पैदा किया जा रहा है और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लेके एक बात बोलना चाहता हूँ. कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आज मुझे कुछ हो जाता और या कल मुझे अगर कुछ हो जाए तो मैं आप तमाम लोगों को बोलना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार सिर्फ वो इंसान नहीं होगा जो आके मुझे गोली चलाएगा, उसके पीछे और भी कुछ लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये माहौल बनाया है. आप मेरा केस उठा के देख लीजिए, पिछले 2.5 साल से जो ये देशद्रोही टुकड़े टुकड़े एंटी इंडिया कुछ क्या क्या बोलते रहते हैं, आज तक 2.5 साल के अंदर दिल्ली पुलिस एक आरोप पत्र दर्ज नहीं कर पाई है, दिल्ली पुलिस एक मुकदमा शुरू नहीं कर पाई है. वो तमाम लोग जो अपनी नसें फुलाते रहते हैं और चीखते रहते हैं रोज रात में 9 बजे में टीवी में आके, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतना ही इस बात को लेकर एजिटेटेड हैं तो कभी आप ये डिमांड क्यों नहीं करते दिल्ली पुलिस से कि आप आइए और आप यहां मुकदमा दर्ज, आप इस मुकदमे को आगे बढ़ाइए, इन लोगों को कन्विक्ट कीजिए. क्या आप भी जानते हैं ये मुकदमा फर्जी है? ये बात आज तक कोर्ट में आगे नहीं बढ़ी है 2.5 साल में, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म का जो दुष्प्रचार चलता रहा है उसके चलते हम लोगों की जिंदगी वल्नरेबल हो गई है. 2016 मार्च में मेरे खिलाफ धमकी आई, गौरी लंकेश के असैसिनेशन के बाद एक धमकी आई, एक लिस्ट निकाला गया कि हम इन लोगों को मार देंगे, उसमें मेरा भी नाम था. अभी 2 महीने पहले जिग्नेश मेवानी और मुझको बोला गया, एक डॉन है रवि पुजारी, उनके बाद कि मैं गोली से मार दूंगा तुम लोग मेरे हिट लिस्ट में हो अगर सरकार के खिलाफ बोलना बंद नहीं किए तो. तो ये सारा जो एक माहौल बनाया गया है कि आपको डराया जाएगा, आपको खौफजदा किया जाएगा, आप मत बोलिए, अगर आप बोलेंगे तो आपको, आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को, सबको खतरा है. लेकिन अगर उनको लगता है कि इससे वो चीज़ों को दबा सकते हैं, चीज़ों को चुप करा सकते हैं, तो ऐसा होता नहीं. गौरी लंकेश के मरने के बाद आवाज़ें रुकी नहीं, आवाज़ें और बढ़ी. धाबोलकल पंसारे के मरने के बाद आवाज़ें रुकी नहीं. रोहित वेमुला, एक रोहित वेमुला को मारा है, लेकिन आज देश में वो सारे विचार, वो रोहित वेमुला के विचार कितने सारे लोग आज लेके चल रहे हैं. अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, कल मुझे कुछ हो जाए, मुझे पूरा भरोसा है इस देश के नागरिकों पे, मुझे पूरा भरोसा है इस देश की जनता पे कि इस मुहिम को वो आगे लेके जाएंगे, जो लोकतंत्र की लड़ाई है उसको वो आगे लेके जाएंगे. ये एक उमर खालिद की लड़ाई नहीं है, ये इस देश की जनता की लड़ाई है. और इस चीज़ में हम तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं देश. उमर खालिद को आज मार भी देते वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात यह है कि हमारे देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, बोलने की आज़ादी खत्म हो रही है, जो लोग बोलते हैं उनके जान पे खतरा बनाया जा रहा है. मैं दिल्ली पुलिस से अपील करता हूँ, कई बार ये अपील कर चुका हूँ, पहले सबमिशन एक सबमिट किया है, रिटन में कंप्लेंट दर्ज किया है, अपील दर्ज किया है कि आप मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए. 2016 में किया था, अभी 2 महीने पहले किया. ऐसा क्यों है कि मुझे आज तक पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलती? क्या वो वेट कर रहे हैं कोई घटना मेरे साथ हो जाए उसके बाद वो मुझे पुलिस प्रोटेक्शन देंगे? उमर, ये पूरे वाक्य में मीनाक्षी लेखी का एक स्टेटमेंट आया है. मैं खुद भी वहाँ पर था और मैंने पुलिस वालों, मेरा दिल्ली पुलिस से यही शिकायत है और ये बात भी मैं उनसे रखूँगा कि हमारे आपके वकील को शायद वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया और मीनाक्षी लेखी वहाँ पहुँची है, उसके बाद उन्होंने ये एक अपना स्टेटमेंट दिया. उसके बारे में क्या आपकी उनसे कोई बात हुई थी? देखिए मैं क्या बोलूँ, कितने आप बताएं ताकि लोगों को मालूम चले कितने घटिया लोग हैं. मैं तो अभी तक किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि ये पार्टी इन्वॉल्व है, वो पार्टी इन्वॉल्व है. मैं तो एक बड़ी बात कर रहा हूँ कि कैसे माहौल बनाया गया है. लेकिन कुछ पार्टी के लोग अभी से पता नहीं है कितना डिफेंसिव क्यों हो गए हैं, कुछ अभी से ही वो दूसरी बात क्यों बोलने लगे हैं.
मतलब ये मीनाक्षी लेखी वहाँ अंदर आई तो मैंने बोला कि मैं अपने यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, आप बाहर जाकर खड़े हो जाइए। तो बोला हम तो आपकी मदद करने आए हैं, हम तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपकी मदद करने आए हैं। फिर वो बाहर निकल गए, बाहर निकल के मैंने फेसबुक पर देखा कि उन्होंने बोला है कि ये जो अटैक हुआ है कभी हुआ ही नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। फिर मुझे लोग बता रहे हैं कि अलग अलग वेबसाइट्स पर भी ये चल रहा है कि जब अटैक हुआ तो मैं वहाँ था ही नहीं जब गोली चली, मेरे सीने पर बंदूक तान के खड़ा था वो इंसान, और आप मुझको बता रहे हैं कि वो इंसान नहीं खड़ा था। मैं पुलिस में जाके बयान दिया हूँ यहाँ, और उसके बाद आप बोल रहे हैं पुलिस ने उस बयान को एक्सेप्ट किया है, पुलिस ने बोला है लग रहा है कि टारगेट करके कोई आया था, उसके बावजूद आप ये बोलेंगे। तो इतनी छटपटाहट क्यों है कि आप नैरेटिव बदलें? हमने देखा गौरी लंकेश के मरने के बाद ये जितने इंटरनेट ट्रोल्स हैं, इनको सांसद भी नहीं बोलना चाहिए, ये ट्रोल लोग हैं। ये ट्रोल्स बार बार बोल रहे थे कि नक्सलियों ने गौरी लंकेश को मारा है, इस पर कुछ चैनलों ने प्राइम टाइम डिबेट किया कि नक्सलियों ने गौरी लंकेश को मारा है। आज जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और जितने सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनका क्या एफिलिएशन है, इस सब से साबित हो गया कि वो सब झूठ बोल रहे थे, लेकिन ये बेशरम लोग हैं, ये मानते नहीं हैं। तो आपने जब पुलिस के अधिकारियों से बात करी, जॉइंट सीपी शायद इस जांच में शामिल हैं चौधरी साहब, तो आपने उनसे पूछा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बीच में या पुलिस को आप अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, तो एक पॉलिटिकल लीडर चाहे वो भले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों ना हो, वो कैसे इंटर कर सकता है? एग्जैक्टली मैंने सीधा उनको बोला, व्हाट वाज द रिप्लाई? देखिए वो तो बोलेंगे मैं आपकी मदद करने आई हूँ, पुलिस बोला कि आप इनसे भिड़िए मत। नहीं, मैं उनसे भिड़ने के मेरा सवाल ये है कि लीगली एक विक्टिम अपना स्टेटमेंट जब दर्ज करा रहा हो तो क्या पुलिस को ये उनको रोकना नहीं चाहिए था? बिल्कुल रोकना चाहिए था, बिल्कुल रोकना चाहिए था। और जब मैंने पुलिस को बोला कि आप इनको बोलिए बाहर जाने के लिए, तो पुलिस मुझे बोल रहे हैं इसको छोटा सा बता के कि आप भिड़िए मत, देखिए रहने दीजिए। तो बात यह है कि मीनाक्षी लेखी किस लोकल स्टैंडर्ड से वहाँ आई थी, मतलब वो क्या इन्वेस्टिगेटर हैं, इन्वेस्टिगेशन करती हैं, मतलब उनका तो मुझे एक ही काम लगता है इस बयान के बाद जो मुझे सुनने में आ रहा है, अभी तक मैंने देखा नहीं है कि प्रोपोगंडा है, मेरे पर तो लग रहा है कि इनका काम है दुष्प्रचार फैलाना, तो उसी वजह से आई थी वहाँ। तो वो जो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर थे, अभी जॉइंट सीपी की उन पर भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि केस को डायरेक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह से मीनाक्षी लेखी वहाँ पहुँची, मैं खुद मौजूद था, कि वो दबाव डालना चाहती थी पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, बल्कि जाहिर सी बात है पॉलिटिकल लीडर का एक प्रेजेंस ही अपने आप में सिस्टम के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करता है। Exactly, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए कि जो लोकल ऑफिसर वहाँ पे था उसने कैसे घुसने दिया। एग्जैक्टली मैं ये बात करूँगा और ये बात मैं पुलिस में लेकर आऊँगा। शुक्रिया बहुत। एक मिनट, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए आपके सामने आपके बंदूक तानी गई, क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था उस समय, आप क्या कर रहे थे? देखिए मैं तो वापस कॉन्स्टिट्यूंट क्लब में आ रहा था, मैं बाहर चाय पीने गया था, वो तान के मुझे गिरा दिया ज़मीन पे और फिर वो बंदूक निकाल के मेरे तरफ पॉइंट कर रहा था बार बार, और मुझे उसमें बहुत घबराहट थी उस समय कि मेरे गोली चला ना दे, और मैं पूरे टाइम उसका हाथ पकड़ के साइड कर रहा था। अच्छा, हाथ पकड़ लिया था। मैं उसका हाथ पकड़ लिया था, मेरा पूरा का पूरा फोकस इंस्टिंक्टिवली उस पर गया। उसके बाद मेरे दोस्त भी वहाँ थे, उन्होंने भी उसको धक्का दिया, इसमें वो चटपटा के भागा, उसको लगा वो पकड़ लिया जाएगा, और वो भागते हुए मैं दूसरे तरफ रोड के गया, फिर मुझे गोली चलने की आवाज़ आई, मैं भागते हुए वापस अंदर आया, यही हुआ। तो मतलब वहाँ पे तो पिस्तौल गिरी पड़ी थी, तो और लोग भी थे क्या, ऐसा कुछ लगा? वहाँ पे हमारे दोस्त जो थे, जो चश्मदीद थे, उन्होंने उसका पीछा किया, हमारे साथ जो चश्मदीद शारिक साहब हैं, शारिक ने उनका पीछा किया, उसका काफी दूर तक पीछा किया, फिर उसको लगा कि कई लोग पीछा कर रहे हैं, तो पिस्तौल फेंक कर फिर भाग आया। तो आपकी एक क्या टिप्पणी है, आपको लगता है आप जैसे जो एक शोध छात्र हैं JNU में, अभी तक आप लगातार काम कर रहे थे, इस तरह से हमला होना क्या बताता है आपके हिसाब से? देखिए आज मैंने जो बोला अभी कुछ देर पहले, आज का हमारे प्रोग्राम का टाइटल ही था खौफ से आज़ादी। मुझे नहीं पता कौन लोग हैं इसमें शामिल, ये पुलिस बताएगी, लेकिन एक खौफ का मंजर देश में क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। जब भी कोई बात करता है तो BJP के लोग बोलते हैं कि ये दुष्प्रचार है, ऐसा कोई खौफ का मंजर नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली शहर में, राजधानी में 15 अगस्त से दो दिन पहले पार्लियामेंट से कुछ किलोमीटर दूर, जहां सिक्योरिटी और भी ज़्यादा होती है 15 अगस्त से पहले, अगर उस वक्त इस किस्म का हमला कोई कर सकता हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम उसी कॉन्स्टिट्यूंट क्लब में चल रहा था, उसके बाहर इस किस्म के लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं, तो ये बताता है कि किस तरीके से खौफ ज़्यादा करने की कोशिश करी जा रही है, ऐसी साहस आती कहाँ से? तो ये जो खौफ का पूरा एक माहौल पैदा किया जा रहा है, आज वहाँ रकबर खान के परिवार वाले आए हुए थे, आज वहाँ अलीमुद्दीन के परिवार वाले आए हुए थे, आज वहाँ रोहित वेमुला की माँ आने वाली थी, आज वहाँ नजीब अहमद की माँ आई हुई थी, ये तमाम लोगों ने जितना झेला है, और उनके गांव वालों ने, उनके परिवार वालों ने, उनके और रिश्तेदारों ने जो झेला है, जब उनके लव्ड वंस को मार दिया गया, उनके किसी के पति को, किसी के भाई को, किसी के बेटे को मार दिया गया, जुनैद की माँ वहाँ आई थी, वो उन पर क्या बीतती है? तो ये आप पूरा का पूरा एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई बोले ना, मतलब ये कोई लोकतंत्र में इसी किस्म का अलाउड है? ज़रूरी नहीं है जो मैं बात बोलता हूँ मुझसे आप इत्तेफाक रखें या मैं इत्तेफाक रखूँ जो आप बोलते हैं,
130 करोड़ लोगों का देश है ना, नरेंद्र मोदी साहब भी आके बोलते हैं 130 करोड़ की जनता, 130 करोड़ जनता है हमारे देश की, 130 करोड़ लोग, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे लोग एक दूसरे से अग्री करें। डिसएग्रीमेंट इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। यू कैन डिसएग्री विद मी, बट आई हैव अ राइट टू स्पीक एंड आई शुड नॉट बी मेड वल्नरेबल फॉर माई राइट टू स्पीक। आई शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू प्रोपेगेंडा बिकॉज आई स्पीक सर्टन थिंग्स। इफ यू थिंक व्हाट आई एम स्पीकिंग इज रॉन्ग, यू शुड रिबट मी। इफ यू थिंक समथिंग दैट आई एम स्पीकिंग इज अ क्राइम, यू शुड आस्क द पुलिस टू प्रोसिक्यूट मी। 2.5 साल से आप JNU मुकदमे में जितने आपने दुष्प्रचार किया कि आपने लगाए नारे, पहले बोले कन्हैया ने लगाया, फिर बोला उमर ने लगाया, आज तक आप एक आरोप पत्र दर्ज नहीं कर पाए उस पूरे केस में, तो आप कर क्या रहे हैं? क्या लगता है पूरा प्लान था JNU को लेकर जो हुआ है, आपको भी यही लग रहा है? देखिए मैं क्या बताऊँ, जो लोग रात के 9 बजे आके अपना गला फाड़ के TV चैनल्स पर बहुत बातें बोलते हैं, मैं हैरान हूँ कि वो ये क्यों नहीं बोलते कि पुलिस इसमें इस केस को आगे बढ़ाए। मतलब अगर आपको लगता है कि हमने वो नारे दिए तो आप चाहेंगे कि हमको जेल हो, हमको कन्विक्ट किया जाए, हमको मुजरिम गिल्टी पाया जाए, अगर आपको इतना ही भरोसा है अपने नैरेटिव में, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते। मतलब आज 2.5 साल तक आरोप पत्र दर्ज नहीं हुआ है, वो चाहते ही नहीं मुकदमा शुरू हो, वो चाहते ही दुष्प्रचार चलता रहे और ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। अगर अदरवाइज तो वो चाहेंगे कि मुकदमा शुरू हो। यहाँ एक ऐसा हैरानी का माहौल है कि मैं अक्यूज्ड हूँ उस केस में और मैं बोल रहा हूँ कि मुकदमा शुरू हो, और जो लोग मुझे अक्यूज़ कर रहे हैं वो इस बात पर कभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप तो फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री की भी फिलॉसफी होती है, तो क्या लग रहा है रास्ता क्या है उमर? तो बड़ी अजीब स्थिति लग रही है। देखिए इतिहास का एक लॉ है कि आप जितना दबाएंगे चीज़ें उतनी उभर कर आएंगी। रोहित वेमुला की जब संस्थानिक हत्या हुई, जब वो जितना अनफॉर्चुनेट घटना हुई, उसके बाद अगर लोगों को लग रहा था कि विश्वविद्यालयों में आवाज़ें कम हो जाएंगी तो ऐसा नहीं हुआ। जब गौरी लंकेश की हत्या हुई, लोगों को लगा कि आवाज़ें दब जाएंगी, खौफ ज़्यादा हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं हुआ। गौरी लंकेश को मैं निजी तौर पर जानता था, वो मेरे से बहुत करीब थी, हम लोगों ने आवाज़ उठानी बंद नहीं करी। और कल को अगर वो मेरे साथ कुछ करें, आपके साथ करें, हमें देश की जनता पर भरोसा है कि वो लड़ेंगे इस चीज़ से, और आज लड़ रहे हैं। आज ये डेस्पिरेशन जो दिख रही है वो इस चीज़ को दिखाता है कि सत्ताधारी बहुत कम्फर्टेबल नहीं है। इसी जनता के लोग सोशल मीडिया पर मातम मना रहे हैं। देखिए इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि ये ट्रोल आर्मी है। अभी वायर की ही रिपोर्ट आई थी किस तरीके से वो हर चीज़ बड़ी बड़ी साइबर टीम्स बना के कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक पहलू वो भी है जहाँ भाड़े पे कुछ लोग लिए गए हैं गाली देने के लिए। गौरी लंकेश को मारा था, उसके बाद भी गौरी लंकेश को क्या कुतिया बोला था, और वो इंसान को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, आज तक अनफॉलो किया है या नहीं मुझे पता नहीं। तो ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर सड़कों पर निकल कर आए। मुझे उनसे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है लोगों के कलेक्टिव IQ पे, कि वो सवाल पूछेंगे कि 2.5 साल तक आप कुछ नहीं कर पाए केस में, फिर भी आप एक इंसान को देशद्रोही बोलते रहते हैं और आज ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि उस पर कोई भी आके हमला कर दे। ये सवाल जनता पूछेगी, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया का कितना रोल समझते हैं आप इसमें, और उसका क्या कैरेक्टर आप समझ रहे हैं? देखिए एक सेक्शन ऑफ मीडिया का आज पूरा का पूरा रोल ये रह गया है कि किसी तरीके से सरकार की चापलूसी करे, और ये एक मीडिया का रोल हो नहीं सकता। तो ये मीडिया चैनल नहीं है, प्रोपेगेंडा चैनल बन गया। उमर क्या लगता है, गोली चलने के बाद डर लग रहा है नहीं लग रहा? देखिए अगर डर लग रहा हो, डर लगना लाजमी है, इंसान है रोबोट नहीं है, लेकिन अगर डर इतना लग रहा होता कि बोल नहीं रहे होते तो आज ये लाइव नहीं कर रहे। 17 को मिलेंगे CBI हेडक्वार्टर पे। चलिए इनकलाब जिंदाबाद।